हाँ हम लोग को भी पैनिंग करनी है, फोटो कैसे निकालेगा आप लोग? आज तो मुहूर्त हुआ है, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आज पहला दिन है स्क्रिप्ट से रिलेटेड, इसके बाद अभी हम लोग स्क्रिप्ट के पे इन्होंने जो डायरेक्टर साहब ने हमारे काम किया है, उसके बाद उसमें जो सिचुएशन मिलेगा हमको उस पर हम लोग बैठ कर काम करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे संगीत जो स्क्रिप्ट के अनुसार बनाए, जो दर्शकों को श्रोताओं को पसंद आए, अच्छा लगे। अभी बैठ के हम लोग इस पर डिसाइड करने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। अभी ये पहला दिन है, अभी शुरुआत। योगेश जी, फिल्म का मुहूर्त है, फिल्म की हीरो नहीं है, फिल्म की हीरोइन नहीं है, क्या बजट है फिल्म के मुहूर्त पर? कोई भी स्टार कास्ट नहीं है। अब ये तो प्रोडक्शन वाले बता सकते हैं, मुझे बुलाया गया, मैं पहुंच चुका हूं यहां पे, पर नहीं है तो आ जाएंगे, शूट पे आएंगे। और हो सकता है किसी कारणवश हो, क्योंकि आपको भी पता है कि फिल्म लाइन में हर आदमी व्यस्त होता है, तो आज नहीं है तो शूट पे होंगे या वर्कशॉप पे होंगे। वैसे सबसे पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को धन्यवाद दूंगा, जिसने इस काबिल समझा कि मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूँ, और हर हर महादेव प्रोडक्शन को भी। बस यही है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने, दर्शकों को पसंद आए, क्योंकि इस फिल्म को जो मैंने देखा है, स्क्रिप्ट देखी है, बहुत अच्छा है। एक तरह से बोला जाए तो सोच बदले समाज बदलेगा, वैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आदमी ये मूवी देखता है उसकी भी सोच भी बदलेगी और उसके साथ समाज भी बदलेगा। सर, मैं आपको बोला जिस तरह से टाइटल है संगीत आशी, वो गाने किस तरह से बनाने को बताया? पहली नज़र में तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आशिक की अगर बात हो रही है तो कुछ रोमांटिक गाने होंगे जो सिचुएशन पे आधारित हों, उस पर डिसाइड करेंगे हम लोग सिचुएशन कैसे है। और कुछ रोमांटिक गाने होंगे और जो अपना यूपी बिहार का एक अपना एक टच है कमर्शियल, उसको तो हम लोग रखेंगे, तो दोनों का समावेश होगा, मिला के कुछ अच्छा एक पैकेज बनाएंगे, कोशिश करेंगे। नहीं, आपके साथ पढ़ा नहीं, यहाँ लिखा हुआ है निर्देशक योगेश कुमार हो जाए, निर्देशक बन गया डायरेक्टर। हाँ, निर्देशक मतलब डायरेक्टर था, हिंदी में निर्देशक। अब देयर इज अ डिले इन दिस फिल्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट? यार डिले, अब उनका कुछ पेपर वर्क बाकी है उसकी वजह से, और शायद प्रोड्यूसर यहाँ रहते नहीं, वो कहीं बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, इसके कारण डिले हो रहा है फिल्म, और कुछ कास्टिंग इनकी बाकी है जिसके कारण डिले हो रहा है। प्रणाम करना चाहूँगा। एक्चुअली ये फिल्म जैसा कि सर लोग ने बताया कि सन की आशिक लाइक समाज को कुछ अच्छा संदेश मैसेज देना चाहते हैं, उस टाइप की फिल्म है। तो कौन सॉरी एक्चुअली मेरे को यहाँ पे, मैं सहनिर्माता और एक्टर भी हूँ, अभिनेता भी हूँ, तो जब भी अनिल विश्वकर्मा मेरे को स्टोरी सुनाई तो मैं रतन भैया के पास गया, तो स्टोरी अच्छा लगा तो हम लोग ने बोला इस पर वर्क करेंगे, कुछ अलग डिफरेंट स्टोरी। एक्चुअली मैं भी इसमें सेकंड लीड कर रही हूँ, जो वो जो सन की आशिक है उनकी गर्लफ्रेंड बनी। ऐसे कितनी तैयारी की आपने? तैयारी तो अभी नवंबर में होने वाली है, तो इसके लिए बहुत टाइम है, तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो कभी कोई आपके कोई आपके फ्रेंड या कभी आपको कोई सन की आशिक रियल लाइफ पे तो नहीं मिला है, पर हाँ शूट पे, शूट पे कैसे रहते? I'm so happy कि मैं चार की गे किरदार अच्छे से निभाऊँ, फर्स्ट टाइम ऐसा सीन मिला कि जो मेरा हीरो है ऐसा सन की वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो आगे भी अच्छी नवे को भी शूट मिल जा रहा है, तो बड़े बड़े एक्टर आए नहीं रहे, विराज जी आए नहीं आज, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली विराज भट्ट जी शूट पे हैं, तो बट आने का पूरा चांस था, बट आज काफ़ी व्यस्त है विजी की वजह से विराज सर नहीं आ पाए। हाँ जी, मैंने अभी एक मेरा फिल्म आ रहा है वसूत प्रीति चिंगानिया के साथ में, फिर एक और फिल्म कर रही हूँ मैं युद्ध शंख, वो भी भोजपुरी उसमें लीड कर रही हूँ, बस दो तीन फिल्म बैक टू बैक, एक और फिल्म चाइन के चांद जैसे दुल्हनिया हमारे। कब तक शूट में जाएगा? शूट अभी 2-3 मंथ है। थैंक यू। अपने बारे में बताइए दर्शकों से। पहले तो मैं सभी भोजपुरी के दर्शक लोगों को रतनलाल यादव उर्फ रतन भाई की तरफ से
नमस्कार प्रणाम बा बड़े बुजुर्ग सबके पाँव लागा ताड़ी। हम यूपी के मऊ जिला के दोहरी घाट बुढ़ावर गांव से तालुकात रखतानी और ये हमार पहली फिल्म बाटे जोने फिल्म के नाम बा सनकी आशिक। एमा सनकी आशिक का किरदार हमार बाटे और बाकी के लीड में विराज भट्ट जी हैं और आप लोगों के भरपूर मनोरंजन देवे खातिर के भरपूर कॉमेडी के लिए हमारे के गोस्वामी जी हैं और इनके साथ कॉमेडी में संजय वर्मा जी हैं जो आप लोगों को भरपूर कॉमेडी का मनोरंजन देंगे। और दर्शक लोगों से हम ये चाहब कि जौन हमार फिल्म आवत बाटे एके हर लोगन के तरह ये फिल्म के भी आप लोग प्यार दुलार दिहल जाए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रतन लाल यादव की तरफ से ये कामना बाटे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो आप लोग आ करके और ये फिल्म के देख के सफल बनावल जाए। जौना में आप लोगों के मनोरंजन में सब कुछ देखे के मिली, सब कुछ मनोरंजन से भरपूर बाटे, फाइट भी जबरदस्त बाटे जौन साउथ एक्शन में देखे के मिली, मनोरंजन में और भी रोमांटिक से लेकर के सब कुछ सीन बाटे, गाना भी एक से एक बाटे जौना में छोटे बाबा जी अपन भरपूर म्यूजिक का ताकत लगावत बाड़े और ये गाना एठे में जौन पहला एगो क्लियर हो गए बाटे जौना के थोड़ा सा हम बोल आप लोगों के सुना देते बाड़ी। हमरा के गोरी तू हर अदा पसंद बा, अदा पसंद बा, अदा पसंद बा, बा, बा। जैसे किशन के राधा पसंद बा, राधा पसंद बा, राधा पसंद बा, बा, बा। ये हमरे तरफ से लिखल गीत बाटे, एके हम लिखले बाड़ी और एके म्यूजिक पे छोटे बाबा जी बहुत अच्छी तरह से उतरियन, हमके पूर्ण विश्वास बाटे और कई पिक्चर में भी जौने पिक्चर में म्यूजिक देला वो हिट ही होला, सुपर हिट भी जाला। और आप लोगों से ये मनोकामना बाटे कि ये फिल्म के आप लोग प्यार दुलार दिहल जाए। बाकी के हमारे भैया के गोस्वामी जी भी कुछ कहल चाहते हैं, आप लोग सुनल जा। सनकी आशिक है ऑफकोर्स, ये फिल्म मारधार से भरपूर है। इन्होंने बता ही दिया है कि साउथ का टच हम लोग रखेंगे मारधार के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, मजे मस्ती के लिए, थोड़ा मजाक के लिए। मैं हूँ, मेरे साथ संजय वर्मा जी हैं, मेरी भी एक हीरोइन है, संजय की भी हीरोइन है। हम लोग सब इसमें बस एज यूजल मस्ती करेंगे, कॉमेडी करेंगे। इनके दोस्त हैं सनकी आशिक यही बने हैं, विराज भट्ट जी हैं और इनके साथ और दूसरी हीरोइन भी है। तो मिला जुला के पारिवारिक फिल्म है, लेकिन वही आशिक कैसे सनकी हो जाता है, वो सनक क्यों जाता है, इसी पर आधारित है। सर मेरा सवाल आपसे, पोस्टर में सनकी आशिक का पोस्टर काफी एक्शन लग रहा है, कॉमेडी कहा जा रहा है, कॉमेडी भी है, तो उसमें कॉमेडी बताएंगे किस तरह कॉमेडी होगा? ये पोस्टर बड़ी अचानक में इन्होंने बनाया है, डिजाइन रात को इन्होंने फाइनल किया है। सो ये आप अभी इस डिजाइन पर मत जाइए, अभी डिजाइन बनेगा, प्रॉपर डिजाइन बनेगा। ये एक सिर्फ मुहूर्त के लिए फिलहाल बना के इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, पर एक प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से डिजाइन बनेगा, पोस्टर बनेगा जो आपको अच्छा दिखाई देगा। इस डिजाइन देखकर, पोस्टर देखकर फिल्म, मतलब ऐसा नहीं कि फटा पोस्टर निकला हीरो, कोई वैसा नहीं रहेगा, लेकिन प्रॉपर पोस्टर है। भोजपुरी के माटी से ही जुड़ा हुआ यह स्टोरी है और पारिवारिक भी है, हर तरह का इसमें देखने को पूरा विधवत इसमें सब कुछ रहेगा। हाँ हाँ वही है, कुछ ऐसा है इसमें कि एक ही हीरोइन के लिए दो हीरो चाहते हैं, उसके बाद बहुत जंग होती है
और सन की आशी के हाथ में आती है हीरोइन, ऐसा इसका स्टोरी है। और भी कुछ उसमें बहुत कुछ है जो और लोग भी बताएंगे। इसकी शूटिंग यूपी के मऊ जिले में गोरखपुर, कुछ बिहार का भी पटना का रहेगा लोकेशन, और लखनऊ होते हुए सब पूरा सीन रहेगा। इसकी शूटिंग नवंबर में होगी, जो अभी मैं मुहूर्त करके मैं फॉरेन कंट्री रहता हूँ बैंकॉक में, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। फिर नवंबर में सब कुछ पूरा टीम यूपी में पहुँचेगी और इसका नवंबर में शूट होगा। आपसे काफ़ी सवाल करना चाहेंगे, तमाम ऐसे सिर्फ आशिक होते हैं जो प्रेमिका को पाने के लिए असली जिंदगी उनको बहुत तो क्या कहना चाहेंगे किसके लिए? बहुत से ऐसे सिर्फ आशिक आज भी हैं नहीं, इसका समाज में अच्छा जाएगा, संदेश अच्छा जाएगा, क्योंकि कहानी इसका कुछ ऐसा है कि रिलेटिव रहता है जो मेरे विराज भट्ट जी जो इसमें हैं, इसमें पहले पॉजिटिव रहते हैं, प्यार होता है किसी और से, शादी होता है, फिर उसके बाद उनका एक बार दिमाग बदल जाता है, फिर नेगेटिव में आ जाते हैं, विलेन का लास्ट में विलेन के लीड में आ जाएंगे उसके बाद।